दो बहुओं वाली सास। सरस्वती के दो बेटे हैं। बड़े बेटे राम की शादी रज्जू से हुई है और छोटे बेटे श्याम के लिए लड़की देखने का सिलसिला जारी है। एक दिन रज्जू की माँ का फोन आता है और उसकी सास फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ फोन पर रज्जू की माँ लीलावती बोलती है। हेलो समधन जी, मैं लीलावती बोल रही हूँ, रज्जू की माँ। अरे नमस्कार समधन जी, कैसी हो? बहुत दिनों के बाद याद किया आज। यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, बस मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। अगर बुरा न मानो तो एक बात बोलूं? अरे कैसी बात करती आपने समधन जी, आपकी बात का बुरा क्यों मानना, बोलिए बोलिए। मेरी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ पर मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। क्या आप रज्जू को कुछ दिन के लिए मेरे पास भेज सकती हैं? ठीक है, हम रविवार को रज्जू को छोड़ जाएंगे। इतना कहकर सरस्वती फोन काट देती है और अपनी बहू को आवाज लगाती है। रज्जू, ओ रज्जू, जल्दी यहाँ आना। तो क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अभी तुम्हारी माँ का फोन आया था, उनकी कुछ दिन से तबीयत खराब है, वो तुम्हें बुला रही है। राम को फोन करके कह दे कल की दो ट्रेन की टिकट करा देगा, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। इतना सुनते ही रज्जू राम को फोन करके सारी बात बताती है और दो टिकट के लिए बोल देती है। शाम को खाने के टेबल पर सब रज्जू के जाने की बात करते हैं। तब रज्जू का देवर श्याम कहता है, भाभी आज बहुत खुश लग रही हो, मायके जाने की इतनी खुशी, उफ। खुश क्यों ना हो देवर जी, कितने दिन बीत गए अपनी माँ से मिले और इस बार तो मैं महीना दो महीना रह कर ही आऊंगी। जब आपका मन करे तभी आना। अच्छा एक बात तो बताओ, वहां से क्या लाओगी मेरे लिए? देवर जी कहो तो देवरानी ले आओ। वैसे भी सभी घर वाले चाहते हैं कि आपकी जल्दी से शादी हो जाए। श्याम शर्मा जाता है और चुप हो जाता है। इतने में राम कहता है, रज्जू तुमने जाने की सारी तैयारी तो कर ली है ना? कपड़े तो रख लिए ना? थोड़े गरम कपड़े भी रख लेना, वहां ठंड होगी, और जल्दी आने की कोशिश करना। ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। बस अगली सुबह दोनों जाने की तैयारी करने लगी। राम उन्हें स्टेशन छोड़कर घर वापस आता है। कुछ घंटों बाद रज्जू और सरस्वती गांव पहुंच जाते हैं। रज्जू अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। माँ आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, कितनी कमजोर हो गई हैं आप। अब बेटा क्या ध्यान रखूं, उम्र भी तो हो गई है, ये बीमारियां तो लगी रहेगी। बहन जी आइए आइए बैठिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भी यहाँ आई। अगले दिन सरस्वती अपने घर वापस जाने लगती है तो लीलावती से कहती है, बहन जी ध्यान रखना आप अपना, आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो आप भी रज्जू के साथ आ जाना, रज्जू के बिना तो घर सूना सूना लगेगा। अब सरस्वती अपने घर आ गई और घर की सारी जिम्मेदारी भी उस पर आ गई। एक दिन वो कपड़े धोकर छत पर सुखाने जाती है, बाल्टी में से टपकता पानी सीढ़ियों को गीला कर देता है और नीचे उतरते समय रज्जू की सास यानी कि सरस्वती देवी का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। ओह, अरे मेरी माँ मर गई, मेरा पैर तो गया। लेकिन घर में कोई नहीं था। सरस्वती जैसे तैसे अपने आप को संभालती जाकर कुर्सी पर बैठती है। वो अपनी बहू के बारे में सोचती है, अगर रज्जू होती तो मुझे संभाल लेती और घर भी संभाल लेती। अब घर के काम कौन करेगा, मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊं, बहुत दर्द हो रहा है। जब राम और श्याम घर आते हैं तो अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर सरस्वती के पैर पर पट्टी बांधता है और उसे आराम करने की सलाह देता है। राम कहता है, माँ आप बस आराम करो, मैं रज्जू को खबर कर देता हूँ, वो कल ही यहाँ आ जाएगी। अरे रहने देना बेटा, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन में वो खुद ही आ जाएगी, उसे परेशान मत कर। माँ अब हमें श्याम की भी शादी कर देनी चाहिए, कभी घर में कोई ऐसी परेशानी आती है तो कोई तो होगा घर संभालने वाला, आप और रज्जू की घर के काम काज में मदद भी हो जाएगी। कुछ समय बाद श्याम की शादी
सीमा सी हो गई। लेकिन सीमा ने तो आते ही घर में क्लेश शुरू कर दिया। वो छोटी छोटी बातों पर लड़ती और उसे देखकर रज्जू का भी बर्ताव बदल गया। एक दिन सीमा सुबह उठने में लेट हो गई और रज्जू ने नाश्ता बना दिया। सभी अपने अपने काम पर चले गए। जैसे ही सीमा अपने कमरे से आई तो रज्जू ने कहा, तुम साफ सफाई कर लो, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। रज्जू की बात सुनते ही सीमा आग बबूला हो गई और कहने लगी, आज मैं उठने में लेट क्या हो गई, आप मुझ पर हुक्म चलाने लगी, मुझसे कोई इस तरह से बात करिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे सीमा, ये किस तरह की बात कर रही हो तुम मुझसे? मैंने कोई हुक्म नहीं दिया तुम्हें, मैं तो बस काम को जल्दी खत्म करने की बात कर रही हूँ। उन दोनों की नोक झोंक सुनकर सरस्वती बाहर आ जाती है और दोनों को समझाती है। शाम को सब एक साथ खाना खाने लगे, लेकिन खाने के बाद जब सब अपने कमरे में चले जाते हैं और खाने के टेबल पर थाली यूं ही छोड़ देते हैं, सरस्वती को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, तुम सब खाना खाकर चले गए, अब ये बर्तन कौन उठाकर रखेगा? मेरे लिए छोड़कर गई हो सारा काम, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? अब दोनों बहुएं एक दूसरे के ऊपर बात टालते हुए फिर लड़ने लगी। ये देख सरस्वती परेशान हो गई। उसने दोनों को डांटा और उन्हें अपने कमरे में भेज दिया। सरस्वती ने जूठे बर्तन धोए। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा। अब दोनों सास की नजरों में एक दूसरे को गिराने में लग गई। माँ जी, जब भाभी फोन पर बात कर रही थी ना, तो कह रही थी मैं अपने मायके चली जाऊंगी तो देखते हैं कि कौन काम करता है, और ये हम सबकी बुराई कर रही थी वो। बहू, किसी की बात चुपके से सुनना गलत है ना, तुम आज के बाद ऐसा मत करना। अब तुम जाओ, मैं रज्जू को समझा दूंगी। सरस्वती ने रज्जू से बात करके उसे समझा दिया, लेकिन रज्जू को अपनी देवरानी पर बहुत गुस्सा आया। अब वो भी सीमा की चुगली अपनी सास से करने लगी। अगले दिन रज्जू अपनी सास के कमरे में जाती है और कहती है, मैंने सीमा को बात करते सुना था, वो देवर जी से कह रही थी कि अगर हम लोग अलग कहीं रहे तो हम ज्यादा खुश रहेंगे, रोज रोज की लड़ाइयों से भी बचेंगे। सरस्वती को इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जब दोनों बहुओं को लगा कि सरस्वती उनकी बातों में नहीं आने वाली, तो उन्होंने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से एक दूसरे की चुगली करना शुरू कर दिया। जब सरस्वती को ये बात पता चली तो उसने इनकी लड़ाई को शांत करने का उपाय निकाला। रज्जू, सीमा, यहाँ आओ दोनों। दोनों अपनी सास के पास आती हैं। कल मैं घर में हवन करवा रही हूँ, तुम पड़ोसियों और रिश्तेदारों को आने के लिए कह दो और हवन की सारी तैयारी कर लो। हवन का दिन आ गया। पंडित जी रामायण का पाठ करने लगे। माता सीता से महान कोई पत्नी नहीं, उन्होंने अपने पति के लिए सारे राजपाट सुख सुविधाएं त्याग दी। अगर कोई पत्नी अपने पति को परिवार से अलग होने को कहती है तो वो पाप की भागीदार होती है, और बेटों को भी माँ से अलग नहीं होना चाहिए। सीमा पंडित जी की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी और उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। ऐसे ही रामायण का पाठ अंतिम सीमा पर आ गया, जिसमें विभीषण के बारे में बताया गया था। अगर विभीषण अपने भाई का भेद न देता तो रावण का विनाश नामुमकिन था। पूजा खत्म होते ही सीमा बोल पड़ी, तभी तो मैं कहती हूँ परिवार में आपसी प्रेम होना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरी सुनता कौन है इस घर में? आपसी प्रेम की बात कौन कर रहा है, जिसने घर में आती ही लड़ाइयां शुरू करवा दी। दोनों में फिर से नोक झोंक शुरू हो गई। सरस्वती दोनों को चुप कराते हुए बोली, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, पड़ोसी क्या कहेंगे, सब सुन रहे हैं तुम्हारी बातें। तभी उनमें से एक पड़ोसन बोलती है, सरस्वती बहन, क्यों चुप करवा रही हो अपनी बहुओं को, हमें तो इनके बारे में सब कुछ पता है, ये दोनों हमारे घर आकर एक दूसरे की चुगली करती है, तुम्हारे घर की हर छोटी से छोटी चीज पता है हमें। आंटी जी, हमने अपना समझ के आपको कुछ बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबके सामने हमारी सास से हमारी शिकायत करेंगी, आप तो सबसे बड़ी चुगलखोर हो। सीमा की बात सुनकर सभी पड़ोसन उन्हें बुरा भला कहने लगी। उनकी बातें सुनकर दोनों बहुएं सबके सामने बहुत शर्मिंदा हुई। जब सब उनके घर चले गए तो सरस्वती ने अपनी बहुओं से कहा,
अब तुम दोनों को तो बहुत खुशी होगी कि सारे मोहल्ले की औरतें हमारे ही घर में खड़ी होकर हमें ही सुनाकर चली गई। हमें काफी साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन आज तक किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमसे ऊंची आवाज में भी बोल पाए। लेकिन आज तुम दोनों की वजह से ये सब हमारी बुराई कर रहे हैं। तुम दोनों ने ये सब अच्छा नहीं किया। सीमा, तुम्हारे इस घर में आने से पहले हम सब बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन ये सब लड़ाइयाँ तुम्हारे आने के बाद शुरू हुई है। आज के बाद तुमने घर में किसी से भी झगड़ा किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा, समझी तुम? ये बात सुनकर सीमा रोने लगी और सबसे माफी मांगने लगी। पंडित जी भी ये सब देख रहे थे, उन्होंने सब कुछ शांत करवाया। कृपया आप सभी शांत हो जाइए, गुस्से से तो बात और बिगड़ जाएगी। अगर आप दोनों बहुएं मिलकर रहती, घर की बात घर में रखती, तो कोई आपसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। आज आपको इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा, औरत ही तो होती है जो मकान को घर बनाती है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप दोनों प्यार से रहो, आपके पड़ोसी और रिश्तेदार अपने आप चुप हो जाएंगे। पंडित जी की बात दोनों बहुओं की समझ में आ गई, अब दोनों प्यार से रहने लगी। इसी तरह समय बीत गया, अब पड़ोस की औरतें उनके प्यार की मिसालें देने लगी।